Hey guys, welcome back to my channel, and in this video I'll be showing you how you can transform your boring soap dispenser into a beautiful ceramic decor. But before that, make sure you subscribe to my channel and hit the bell icon for my new videos. So let's get started. तो यहाँ पे मैं एक प्लास्टिक का डिस्पेंसर ले रही हूँ जिसको मैं मेकओवर करूँगी, और यहाँ पे मैंने एक कॉरूगेटेड शीट ली है जिससे मेरे डिस्पेंसर में डिज़ाइन आएगा। यहाँ पे मैं एक मोल्ड की तैयारी कर रही हूँ जिसको मैं फिक्स कर दूँगी इस कार्डबोर्ड शीट पे, और उसके ऊपर मैं ये कटोरी रखने वाली हूँ ताकि इससे इसकी शेप इंटैक्ट रहे। अब यहाँ पे हम ये जूट रोप लेंगे जिसको हम अच्छे से सील कर देंगे इस कार्डबोर्ड को ताकि ये अपनी प्लेस से ना हिले। देखिए ये कितना अच्छा मोल्ड बन के आया है, एकदम स्टर्डी हो गया है। अब हम लेंगे ये वाइट सीमेंट, बट मेक श्योर ये वाइट सीमेंट जो हम लें उसको पहले छान लें, क्योंकि ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, मैंने इसे नहीं छाना था। और आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि इससे ना छानने से मेरा क्या प्रॉब्लम आया, बट मेक श्योर कि आप इसको छान के अच्छे से इसके जितने भी ग्रैनुल्स हैं उसको निकाल लें। इसको पूरा अच्छे से ऊपर तक फिल कर दीजिए और फिर अच्छे से इसको सूखने का टाइम दीजिए, कम से कम 12 घंटे। 12 घंटे में ये अच्छे से सूखेगा, या उससे ज़्यादा भी लग सकता है डिपेंडिंग ऑन दी वेदर टेम्परेचर्स। नहीं तो हल्का सा गीला जब आपको लगे कि बचा है तभी आप उसको डीमोल्ड कर सकते हैं। वो ये कार्डबोर्ड बहुत ईजीली रिमूव हो जाता है, देखिए कितना आराम से मेरा रिमूव हो रहा है। अब मैं आपको अपनी मिस्टेक के बारे में बताऊंगी जिसके बारे में मैं बात कर रही थी कि मैंने नहीं छाना था ये सीमेंट, तो क्या हुआ इसका नतीजा ये हुआ कि इसके मोटे मोटे पार्टिकल्स बाहर की तरफ रह गए और सारा झड़ झड़ के जो मेरा डिज़ाइन था वो प्रॉपर नहीं आ पाया। तो मेक श्योर आप इसको ज़रूर छान लें, क्योंकि नहीं छानेंगे तो आप कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे वो सॉलिड नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो जो मोटे मोटे पार्टिकल्स हैं वो गिरते रहेंगे, अपने आप झड़ते रहेंगे, क्योंकि जो फाइन पाउडर होता है वो बहुत अच्छी शेप लेता है। तो मैंने तभी सैंड पेपर से इसको घिसके ठीक कर लिया था, बट मेक श्योर आप ऐसी गलती ना करें, नहीं तो आपको भी मेरी तरह डबल मेहनत करनी पड़ जाएगी। मैंने इसको एकदम सिंपल रखने की कोशिश की है, इसलिए मैंने सिर्फ वाइट पेंट और गोल्डन पेंट का यूज़ किया है। आप चाहे तो इसे कलरफुल बना सकते हैं, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट करके बना रही थी तो मैंने सोचा कि अभी इसको सिंपल और प्लेन ही रखते हैं। और ये मेरा फेवरेट पार्ट है जिसमें मैंने वही फेविकॉल और पानी का यूज़ किया है इन द रेशो 1:1, और इसको मैं सारी जगह सील कर दूँगी। और चलिए अब देखते हैं इस डेकोर का फाइनल लुक। तो बताइएगा मुझे ये कमेंट्स में ज़रूर कि आपको कैसा लगा, और आप भी डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं मेरी तरह तो ये भी शेयर कीजिएगा। तो लग रहा है ना एकदम ये सेरेमिक डेकोर जैसा जो बाहर मिलता है। और अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग आपकी तरह देखें इसे और इसी तरह का बनाने की ट्राई करें।